हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये एक अंजीर का प्लांट है जो हम लोग ड्राई फ्रूट में देखते हैं। नॉर्मली हमने ड्राई फ्रूट में ही देखा है कि हम लोग मार्केट में जब जाते हैं, ज़्यादातर जो बड़ी परचून की दुकान होती है, राशन की दुकान होती है या ड्राई फ्रूट्स की शॉप होती है, उसमें गोल गोल रस्सी में लगे हुए होते हैं, माला सी बनी होती है। वो जो अंजीर होती है वो इसी प्लांट में लगती है। इसको अंजीर ये ड्राई फ्रूट सुखा करके उसको शुगर सिरप में थोड़ा बॉईल करके वो अंजीर बनती है। इसका फ्रूट होता है बड़ा ही अच्छा होता है, गोल गोल टाइप का सा बनता है। तो मैं आज इसको गमले में शिफ्ट करूँगा। मैंने इसको छोटे एक प्लास्टिक पोट में ये ले करके आया था, मैं इसको उसमें से मैंने निकाल दिया है। ये तो ये मेरे पास एक गमला है, 12 इंच का गमला, मैं इसके अंदर इसको लगाऊँगा। ये मेरा अंजीर का प्लांट है। लगभग इसको मेरे को लाए हुए 2-1 महीने हो चुके हैं। मैंने ये शिफ्ट नहीं की थी क्योंकि मेरे पास कोई गमला नहीं था। तो आप देख पा रहे हैं इसमें पुराने पत्ते जो थे वो झड़ गए थे, और जब मैं इसको नर्सरी से लाया था इसमें कुछ फ्रूट भी आए हुए थे। इधर इस एरिया में 2-3 फ्रूट आए हुए थे, तो वे हमने खा लिए हैं। फ्रूट जो है मेरे बच्चों ने वो खा लिए थे, हमने खा लिए थे वो फ्रूट। तो अब इसमें दोबारा से ये नए पत्ते आए हैं। इसमें पुराने पत्ते गिरते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। ये देखिए इसका, और लगभग 1.5 फीट की इसकी हाइट होगी, और मेरे को लाए हुए 2-1 महीने हो चुके हैं इसको नर्सरी से। तो मैं अब इसको पॉट में शिफ्ट करूँगा ताकि ये अच्छे से डेवलप हो सके। ये मेरे पास मिट्टी है, नॉर्मल गार्डन सोइल है, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें मैंने काव डंग जो है पूरी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है उसको मैंने मिक्स किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मिट्टी और कावडंग, और मैंने जो है पूरा जो केले के छिलके होते हैं वो डाल दिए थे इसमें मिट्टी में, तो जो कि पुराने थे और ये एक तरीके से कंपोस्ट में ही आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास पॉट है, मैं इसमें इसको लगा रहा हूँ। इसमें ये इस तरीके से इसमें मिट्टी डाल दूँगा। मिट्टी को लगाने के बाद अच्छे तरीके से दबा देंगे। ये हमें वेल ड्रेन सोइल चाहिए इसमें, और ये काफ़ी अच्छी वेल ड्रेन होगी क्योंकि इसमें गोबर की खाद और ये सब मिक्स का काफ़ी अच्छी तरीके से। बाकी इसमें फ्रूटिंग तो मेरे ख्याल से अप्रैल में से दोबारा से स्टार्ट होगी। अभी तो मैं इसको लगाऊंगा 1-2 महीने में, ये थोड़ा और ग्रोथ पकड़ेगा, देखिएगा सर। तो उस टाइम पर जब इसमें फ्रूटिंग आएगी, जो वो मैं आपको शेयर करूंगा इसके अपडेटेड वीडियो। वैसे मैंने इसमें जो देखा है इसमें, क्योंकि मैंने फ्रूट लगते हुए देखे नहीं कि मैं अभी लेके आया हूँ इस प्लांट को, इसमें जो है फूल नहीं आते, डायरेक्ट ही फ्रूट बनता है, मैंने जो सुना है इसके बारे में। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए, मैंने इस गमले को मिट्टी से हाफ फिल कर दिया है, और अच्छे से मैंने मिट्टी को ठोक भी दिया, आप देख रहे हैं। अब मैं ये अपना प्लांट इसमें बीच में रख दूंगा, और ये देख करके रखना कि मेरे को 1-2 इंच इसमें जगह भी रखनी है, इसमें पानी वगैरह डालने के लिए, कोई खाद वगैरह डालने के लिए, तो ये जगह रखनी भी इसमें ज़रूरी है। तो लगभग ये 2 इंच इससे नीचे, आप एक उंगली का 1 पौरवा 1 इंच के बराबर होता है लगभग, लगभग ये इससे 2 इंच नीचे है। और कभी भी हम लोग इस तरीके से प्लांट लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी जड़ें जो हैं वो मिट्टी से बाहर ना रहे। तो इस तरीके से प्लांट लगाएंगे हम लोग दोस्तों। ये सब लोग हम लोग अपने घरों में लगा सकते हैं प्लांट, ये गमले में ग्रो हो जाता है आसानी से। तो इस तरीके से हम ये मिट्टी इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, मैंने ये पूरे तरीके से इसमें मिट्टी डाल के गमले को में अंजीर के पौधे को लगा दिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, और इसकी जो भी अपडेटेड वीडियो होगी ग्रोथ के साथ वो मैं आपको सब शेयर करूंगा। दोस्तों, कभी भी हम कोई प्लांट लगाते, पौधा लगाते गमले में, तो उसको गमले के बीच में लगाना चाहिए ताकि वो चारों तरफ अपनी जड़ों को फैला सके। और जो है ये मतलब ये कि बीच में ही स्टेबल रहेगा ताकि इसमें चारों तरफ से मिट्टी का इसको मिल जाएगी, नहीं तो एक तरफ इसमें सीमेंटेड हो या आपका मिट्टी का पोट हो, जैसे भी एक तरफ ही हो जाएगा। अब मैंने इसको बीच में लगाया हल्की से ये थोड़ा सा साइड में, क्योंकि जो पूरा इसका तना है वो घुमाव पे है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। अब जो इसकी अपडेटेड वो वीडियो होगी वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा।
लोग, तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरीके से प्लांट लगाइए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।